हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने सतरंगी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। इसे आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखिए, अब देखते हैं कि इसको कैसे डाला जाएगा। इसको डालने के लिए ये मैंने 31 फंदे डाले हुए हैं। अब देखिए, पहले हम ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमें सीधी बुननी है। अब ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई, ये उल्टी सिलाई भी हम पूरी व्हाइट से उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई हम फिर से व्हाइट से पूरी सीधी बुनेंगे। अब ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई, ये उल्टी सिलाई भी हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है। व्हाइट कलर से हम इसको उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए हमने चार सिलाई प्लेन से व्हाइट बुन ली हैं, दो सीधी और दो उल्टी। अब ये हमारी सीधी सिलाई है और ये हमारी पांचवी सिलाई है। देखिए, पहले हम तीन फंदे व्हाइट सीधे बुनेंगे। अब इस फंदे में ये जो चौथा फंदा है, ऐसे सिलाई डालेंगे और देखिए हमें इसको ऐसे पकड़ना है। और ये जो दूसरे कलर का धागा है, इसको हमें सिलाई पर ऐसे लपेटना है पांच बार, दो तीन चार पांच। अब फिर से हम सिलाई को ऐसे लेंगे। देखिए, ये हमने पांच बार लपेट लिया है। इसके बाद हमें इसको ऐसे लाना है और इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। एक बार फिर से हम सिलाई को यहीं से डालेंगे और एक बार फिर से हम इसको बुन लेंगे। ये देखिए, अब हमें सात फंदे व्हाइट सीधे बुनने हैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब देखिए, इस फंदे पर हमें फिर से वैसे ही बनाना है। सिलाई को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम पांच बार सिलाई पर लपेटेंगे। टू थ्री फोर फाइव। अब फिर से सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे और लास्ट बार हम देखिए इस तरह से इसको बुन लेंगे। एक बार फिर से हम यहीं से सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से इन्हीं फंदों को बुन लेंगे। अब सात फंदे व्हाइट बुनेंगे सीधे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब देखिए, इस फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर से हमें पांच बार ये पिंक वाला धागा सिलाई पर लपेटना है। दो थ्री फोर फाइव।
अब देखिए लास्ट में हम इसको इस तरह से लाएंगे और ऐसे बुन लेंगे। अब एक बार फिर से यहीं से सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से हम इसको ऐसे बुनेंगे। अब देखिए हम फिर से 7 फंदे वाइट बुनेंगे सीधे। छह, सात। अब इस फंदे में सिलाई डालेंगे इस तरह से और पिंक धागे को हमें 5 बार इस पर लपेटना है। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए इसको इस तरह से लपेटना है, बिल्कुल एक एक धागा अलग अलग, एक दूसरे के ऊपर इसको नहीं रखना है। इस तरह से इसको लपेटिए। इसके बाद सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे और एक बार धागे को ऐसे घुमाएंगे, इसको बुन लेंगे। फिर से हम यहीं से सिलाई डालेंगे इन्हीं फंदों में से और एक बार फिर से इसको बुन लेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं ये वाइट सीधे बुन लेंगे। अब देखिए हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हम पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये जो वाइट फंदे हैं इनको हमें वाइट ही उल्टे बुन लेना है। ये जो 2 पिंक फंदे हैं इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और 2 फंदे का एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। अब ये वाइट फंदे वाइट उल्टे बुनेंगे। ये 2 जो पिंक फंदे हैं इनको एक साथ लेकर के 2 फंदे का एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। 7 फंदे व्हाइट बुनने हैं उल्टे। दोनों पिंक फंदे एक साथ लेकर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। 7 फंदे व्हाइट बुनेंगे। दोनों पिंक फंदे एक साथ लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। लास्ट वाले 3 फंदे व्हाइट बुने जाएंगे उल्टे। अब देखिए हमारी डिजाइन बन गई है। इसी तरह से इसको हमें आगे बनाते जाना है। अब की बार हमें क्या करना है, अब पहले हम 4 सिलाई व्हाइट बुनेंगे उसके बाद फिर डिजाइन डालेंगे, फिर 4 सिलाई व्हाइट बुनेंगे फिर डिजाइन डालेंगे, फिर 4 सिलाई व्हाइट बुनेंगे फिर डिजाइन डालेंगे। इस तरह से हमें इसको डालना है। 2 सिलाई का डिजाइन है और बीच में 4-4 सिलाई प्लेन बुनी गई है। देखिए मैंने 4 सिलाई प्लेन व्हाइट बुन ली है और अब हम देखिए कैसे डिजाइन डालेंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ये हम सीधे बुनेंगे व्हाइट से। अब इस फंदे पर हमें डिजाइन डालना है तो हम उसी तरह से डालेंगे। देखिए 5 बार धागे को लपेटेंगे सिलाई पर। और एक बार हमें ऐसे करना है और इसको बुन लेना है। फिर से हम सिलाई को यहीं से डालेंगे और ये देखिए हमने इसको एक बार और बुन लिया। अब हम फिर से 7 फंदे व्हाइट बुनेंगे, फिर हम यहाँ इस फंदे पर डिजाइन डालेंगे, जो 8वां फंदा है ये वाला, इस पर डालेंगे इसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ पर डाला है। और इसी तरह से हमें इस डिजाइन को आगे डालते जाना है। अब देखिए जो फंदों का कैलकुलेशन है
वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए सात फंदे होंगे, फिर एक फंदा ये डिजाइन वाला होगा, फिर सात फंदे, फिर एक फंदा डिजाइन का, फिर सात फंदे, फिर एक फंदा डिजाइन का। इस तरह से हमें इन फंदों को डालना है। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।